नहीं होते मैं सही बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं तो उसके बारे में हम क्या कहना है कि उनका फूड प्रेफरेंस भी अलग होता है उनका मूड प्रेफरेंस अलग होता है वो जहाँ रहते हैं वो जगह भी अलग होती है कुछ अलग होता है या फिर संसारिकता में रहते हुए अध्यात्म को अपनाया जा सकता है संसार में रह सकते हैं पर आपके काम जैसा मैंने कहा हुँ. कि आपकी सोच थोड़ी सी पर्सपेक्टिव पर चली जाती है hmm. जहां आप लोगों के बारे में भी सोचना तो अगर आप जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में भी बात कर रहे हैं hmm. कहीं ना कहीं हमको पता है hmm. कि उससे किसी और को तकलीफ हो रही है hmm. तो वो सोचते ही आदमी पीछे हट जाता है hmm. अब अगर नॉन वेजिटेरियन भी नहीं जंक फूड्स भी है जैसे हम गुणों की बात करते हैं सात्विक तामसिक सात्विकता तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो आप सात्विकता की ओर जाते हैं तो उसमें हर चीज है दैट नॉट मीन कि आप फैमिली में नहीं रह रहे हैं आप रह रहे हैं पर आप किसी भी ऐसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे जो आपके लिए खराब है फूड भी हो सकता है तो सात्विकता में आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होती है क्योंकि कई ऐसे फूड्स हैं जो आप पे हावी हो जाते हैं आपको ज्यादा नींद आने लगती है तो कहीं ना कहीं आपका जो नींद पे कंट्रोल है वो उसको खराब कर देगा वो फूड तो आप उस फूड को अलग कर देते हैं कि नहीं आप किसी भी पावर नहीं देंगे कि तुम मुझ पर हावी हो क्योंकि तो मालिक 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 मैं हूं है 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 आपको आपको भगवान ने ही बनाकर भेजा इमोशंस इनके आप मालिक है। और इसीलिए हर स्क्रिप्चर में कहा गया है कि इनको कंट्रोल में रखो इसीलिए कहा गया पर हम स्लेव बन रहे हैं धीरे धीरे तो जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्लेवरी से वापस से ओनरशिप की ओर लेकर आया जाता है कि मालिक तुम हो तो हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए कोई भी चीज तुम पे हावी नहीं होनी चाहिए